सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल मास्टर पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि अगर आपका किसी भी कारण से निष्ठा प्रशिक्षण का कोई भी कोर्स रह गया है, छूट गया है, तो आप उसे अब पूर्ण कर सकते हैं। और जो नवनियुक्त शिक्षक साथी हैं हमारे, उन्हें अनिवार्य रूप से ये निष्ठा के सारे प्रशिक्षण पूर्ण करने हैं। तो अब आप अपने निष्ठा प्रशिक्षण के सभी कोर्स को पूर्ण कर सकते हैं। साथियों, अगर आपके पास WhatsApp पे कोई लिंक आता है और आप उस लिंक पर क्लिक करके कोर्स को ज्वाइन करते हैं, तो आप ये देख लें कि वो कोर्स आपके राज्य का है या नहीं है। ये देखिए, मेरे पास एक लिंक आया था, मैंने उस लिंक के थ्रू कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश की है, तो ये कोर्स ओपन हुआ है MP शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता। तो हमें कोर्स अपने स्टेट का ही ज्वाइन करना है, हमें किसी दूसरे स्टेट का कोर्स ज्वाइन नहीं करना है, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, हमें अपने राज्य के ही कोर्स करने हैं। अब देखो, यहाँ पर MP आ रहा है, तो यहाँ पर UP होना चाहिए था, तो आप इस चीज़ का ध्यान। साथियों, मैंने सारे मॉड्यूल के प्रश्न उत्तर तैयार कर रखे हैं, और अगर आप इसमें गतिविधि एवं प्रश्नोत्तरी लिंक पर क्लिक करेंगे, तो आप देखिए मेरे चैनल के पहला वीडियो जो है पाठ्यचर्या एवं समावेशी कक्षा में पूछे गए प्रश्न। तो आप अगर इस पर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, तो ये देखिए आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो यहाँ पर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक और सारे कोर्सेज के प्रश्नोत्तरी के लिंक आपको मिल जाएंगे। तो आप यहां से बड़ी आसानी से लिंक पर क्लिक करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और उस भाग में पूछे गए प्रश्नों को देख सकते हैं। तो देखिए, यहां पर आ रहा है एक्सपायर्ड बैचेज। अगर आप किसी लिंक के थ्रू कोर्स को ज्वाइन नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यहां पर आपको सर्च बार में टाइप करना है कोर्स का नाम। तो जैसे पहला कोर्स है हमारा पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा, तो आपको यहाँ पर हिंदी में टाइप करना है पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा। तो आप पूरा मत टाइप करिए, कुछ पार्ट टाइप कर दीजिए उसका, पाठ्यचर्या या समावेशी कक्षा। हम यहाँ पर टाइप करते हैं समावेशी कक्षा, तो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया समावेशी कक्षा। आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपको हिंदी में ही टाइप कर, ये देखिए ये हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है। अब हम सर्च पे क्लिक कर देंगे, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि समावेशी कक्षा के, अब हमें यूपी का कोर्स ज्वाइन करना है, तो अब इसमें देखो समावेशी कक्षा के जितने भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर सब ओपन हो जाएंगे। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जहाँ सर्च बॉक्स में हमें यूपी और टाइप करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर यूपी टाइप कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि यूपी का ही कोर्स ओपन होगा। हमने यहाँ पर टाइप कर दिया यूपी और अंडरस्कोर। अगर आप टाइप करना चाहें अंडरस्कोर तो कर दें, नहीं तो आप केवल यूपी ही टाइप करें वहाँ पर। ये देखिए यूपी पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा, जब आप सर्च करेंगे तो ये यूपी का। अब यहाँ पर देखिए एक्सपायर्ड बैच आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है रिज्यूम पर। किस पर क्लिक करना है, रिज्यूम पर। ये देखिए एक्सपायर्ड बैचेज 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक इसका बैच एक्सपायर हो गया, आपको रिज्यूम पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ कोर्स पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है आई एग्री, और ये आपको शेयर कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर कोर्स ओपन हो गया है। तो आप इस तरीके से जो कोर्सेज आपके रह गए हैं उनको आपको पूरा कर लेना है।